खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। बिहार में भीषण गर्मी के बीच रहस्यमय बुखार एक बार फिर मासूम बच्चों पर कहर बनकर टूटा है। बिहार में AES यानी एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम नाम की बीमारी से मुजफ्फरपुर में बीते 24 घंटे में 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। हालांकि गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या करीब 50 हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने इस रहस्यमय बुखार को चमकी बुखार का नाम दिया है। मुजफ्फरपुर में 103 बच्चे चमकी बुखार से प्रभावित हैं। जानलेवा चमकी और तेज बुखार का सबसे अधिक असर उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी जिले में है। मासूम बच्चों में होने वाले इस बुखार ने 90 के दशक से अब तक करीब 150 बच्चों की जान ले ली है। तो तेज गर्मी के बीच बिहार पर एक बार फिर से टूटा है रहस्यमय और जानलेवा बुखार का कहर। आम लोग इसे चमकी बुखार कहते हैं। अब तक कुल 28 बच्चों की जान चली गई है। एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, जिसने कि अब ले लिया है एक महामारी का रूप। और कल की बात करें तो इस बुखार से 9 बच्चों की जान चली गई है। और इस वक्त सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, एक बार फिर से बिहार पर टूटा है इस बुखार का कहर, जिसे लोग चमकी कहते हैं। सवाल यह है कि छोटे छोटे बच्चों को यह अपनी चपेट में ले रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, जो प्रशासन है, जो सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक 11 बच्चों की अब तक मौत हुई है, जिनमें से 10 खून की कमी की वजह से उनकी मौत हुई है। एक बच्चा जिसे मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, चमकी कहते हैं या इंसेफ्लाइटिस कहते हैं, ये इस बीमारी से उसकी मौत हुई है। लेकिन आसपास के इलाके में, ख़ास तौर से जब ये मौसम होता है और गर्मी, ठंड का और उमस भरी गर्मी होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे होते हैं। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत थी, जिस पैमाने पर लोगों को जागरूक करने की, बच्चों में ये जो बीमारी हो रही है वो सुबह में खाली पेट होने से हो रही है या फिर कोई और वजह रही है, इस पर रिसर्च होता रहा है, लेकिन अब तक पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। कुछ रिसर्च में ये भी सामने आया है कि लीची के समय में खाली पेट में बच्चे लीची खा लेते हैं, उसके बाद से ये बीमारी बढ़ जाती है, पर अभी तक पुख्ता तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया है। लेकिन एक के बाद एक मौत हो रही है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया जा रहा है, उनकी मौत हो जाती है। अब तक पूरी जानकारी नहीं मिली, लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार का मानना है कि जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है, जिसमें नाकामयाब रही है सरकार, या यूं कहे कि स्वास्थ्य विभाग इस पर अंकुश करने में या लोगों तक सही जानकारी पहुँचाने में असफल रही है, जिसकी वजह से ये मौतें हो रही हैं। जी प्रकाश, मुजफ्फरपुर से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहती हूं आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को हम हाजीपुर का भी हाल बता देते हैं। उधर बिहार के वैशाली जिले में जापानी बुखार का कहर देखने को मिला है। हाजीपुर में बीते 24 घंटे में जापानी बुखार से 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। हाजीपुर के हरिवंशपुर गाँव में 5 बच्चों की मौत हुई है। अभी भी अस्पताल में कई बच्चे जापानी बुखार से पीड़ित होकर अस्पताल में भर्ती हैं। तो हाजीपुर का हाल आप देख ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहर इस बीमारी का जो टूटा है वो उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर पर टूटा है। क्या कह रहे हैं पीड़ित बच्चों के परिवार वाले, उनको आप सुनिए। चमकी सदर में हो गया था, सदर में कहा मुजफ्फरपुर हम ले जा रहे हैं, ठीक है, तो मुजफ्फरपुर बढ़िए, तो हम आ रहे हैं, तो नहीं था मुजफ्फरपुर बढ़िए कभी बारे में हम आ रहे हैं, तो वहाँ से जाते हैं मेडिकल में, बोले ले गए हैं तो मेडिकल में भर्ती कर दिए, उसके बाद यहाँ पहुँचे हैं, उसको एक घंटा के बाद में जाते गुजर गया, गुजर गया बच्चा। हाँ, गुजर गया। SKMCH में सुप्रेम साहब जैसा बता रहे हैं कि 20 पेशेंट का भर्ती हुआ है और केजरीवाल में 7 पेशेंट का, और SKMCH में चार्जेट हुआ है केजरीवाल में। डॉक्टर कोशिश, बच्चे लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और वही बगीचा में जो रोड शूट करते रहते हैं और वो रात में खाते नहीं हैं, दिन भर भी वैसे ही रहते हैं, खेलते धूपते रहते हैं, तो इससे बच्चे को क्या देते हैं। कदम हम लोग उठाए हैं, जागरूकता अभियान चला रहे थे, आज हम लोग अर्जेंट मीटिंग MYC का बुलाया और उन लोगों को डायरेक्ट किया कि माइकिंग सिस्टम शुरू करा दें, माइकिंग सिस्टम से, और जब ANM और ASR को ASR को अलर्ट कीजिए और चिन्हित करें कि किस ढंग के बच्चे को कुछ होता है, तो PSC में पहले ट्रीटमेंट।
और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बच्चों की मौत को लेकर सरकार चिंतित है। इस बीमारी से बचाव के लिए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, लेकिन लगता है कि स्थानीय स्तर पर इसका पालन नहीं हो रहा है। लास्ट ईयर घटनाएं कम घटी, इस बार देख रहे हैं कि फिर कुछ बढ़ रही है, तो बड़ा दुखद है, हम लोगों के लिए चिंताजनक विषय। तो इस पर लोग काम कर रहे हैं और हमने कहा है और मुख्य सचिव के स्तर पर भी सब लोगों के साथ इस पर बातचीत चल रही है कि इसको देखिए कैसे कंट्रोल। और सबसे बड़ी बात है, लोगों को समझाना पड़ेगा, ये जो इन दिनों उमस बहुत ज्यादा है ना और गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी और उमस दोनों के कारण बच्चों के साथ ये कठिनाई ला देता है। और फिर उसके लिए सुझाव दिया गया है कि रात में सोने के पहले भूखे मत सोने दीजिए, उसको नींबू पानी पिलाइए, कई तरह की बात कही गई। ऐसा हमको लगता है कि सारा सब कुछ जो बनाया गया इसके लिए और गाइडलाइन इशू किया गया, हमको लगता है कि स्थानीय स्तर पर उसके बारे में पूरे तौर पर जो जागरूकता लाने का उसमें जरूर कोई कमी होगी। तो नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, मुजफ्फरपुर से मेरे सहयोगी प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, नीतीश कुमार तो साफ कह रहे हैं कि गाइडलाइन जारी किए गए, लगता है स्थानीय स्तर पर ही पालन नहीं हुआ, तो फिर कमी कहां पर रह गई है? देखिए, कमी बहुत सारे स्तर पर है। जो बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनका इलाज स्थानीय स्तर पर होता है, नॉर्मल बीमारी समझकर बुखार समझ के इलाज किया जाता है, लेकिन बाद में जब वही समस्या बड़ी हो जाती है, जटिल हो जाती है, तब उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत थी, लेकिन उसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता है। जब तक बीमारी फैलने का ये, क्योंकि आज पहली बार नहीं हुआ है बल्कि सालों से इस इलाके में ये बीमारी फैल रही है। जो नींबू पानी, डिहाइड्रेशन की बात हो रही है, डिहाइड्रेशन में बच्चे जाते हैं क्योंकि उमस से पसीना निकलता है और बच्चे बिना खाए सो गए या सुबह में भूखे पेट है तो ऐसे में कुछ अचानक खा लिया जिसका असर पड़ जाता है। तो अब तक जो कुछ करना होता है सरकार को, पहले से ही एहतियात के तौर पर जो गाइडलाइंस है उसको पूरी तरह से लागू किए जाने की ज़रूरत थी, जो नाकामयाब लगती है। तो ऐसे में ये बीमारी फैलता चला जाता है और इसका असर पड़ता है, लेकिन अब तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर इस बीमारी में आखिर इस तरह की बीमारी जो है, मस्तिष्क ज्वर जिसे कहते हैं, इंसेफ्लाइटिस कहते हैं, चमकी बुखार कहते हैं, ये इस इलाके में ही क्यों सबसे ज़्यादा होता है, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। इस पर भी कई टीम लगाई गई है लेकिन अब तक जानकारी नहीं मिली है, बल्कि जो स्थानीय तौर पर इलाज हो सकता है उसमें भी कोताही बरती जाती है, जिसका नतीजा होता है कि हर साल बड़े पैमाने पर बच्चों की मौत हो जाती है। जी प्रकाश, मैं चाहूंगी आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन एक बात तो साफ है कि गाइडलाइंस जारी किए गए उसके बावजूद स्थानीय स्तर पर लागू नहीं किए गए, कहीं ना कहीं बड़ी कमी रह गई लोगों को समझाने में, इस बीमारी को लेकर अवेयर करने में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी कहा है कि बुखार से बच्चों की मौत को लेकर केंद्र सरकार भी गंभीर है। मैंने जो रिपोर्ट मंगवाया है अभी हाल में, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी एक सप्ताह पहले, क्योंकि ये बीमारी पिछले कई वर्षों से उस पर बहुत कंट्रोल भी हुआ है। वो अगर वो आप बोल रहे हैं AES एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, उसका कोई अभी तक का बाजार, उसका काफ़ी हमारे साइंटिस्ट सब लोग बाहर टेस्ट करके लेबोरेटरी ले गए, उस पर काफ़ी सघन रूप से पहले भी जांच हुआ था। हमने बहुत कुछ कहा, गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के इधर मुजफ्फरपुर जो इस प्रकार का एरिया है, यहाँ जनरली इसी सीजन में ये होता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस गया में होता है और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, उस पर हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे जो तमाम टीम है डॉक्टर की और जांच का, जो हमारा NIV जो लेबोरेटरीज है उसमें जाँच भी चल रहा है, इस पर हम लोग बिहार सरकार के साथ बात करके इसको जरूर कंट्रोल करेंगे और उस पर हम लोग प्रयास करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि केंद्र सरकार भी इस बीमारी को लेकर बेहद गंभीर है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर जल्द कुछ नहीं किया गया, पुरजोर तरीके से कदम नहीं उठाए गए, तो न जाने कितने और मासूमों को अपनी चपेट में ले लेगा ये बुखार। प्रकाश, मुजफ्फरपुर से आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें लाइव अपडेट दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।